हे गाइस, कैसे आप लोग। आज मैं करने वाला हूँ आईकू नियो 7 नथिंग फोन 1 पोको एक्स 5 प्रो 5G रियलमी 10 प्रो प्लस रेडमी नोट 12 प्रो एंड रियलमी 10 प्रो 5G के बीच में बैटरी ड्रेन टेस्ट। ऐसा वीडियो शूट करने में, इसको एडिट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है। तो अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगे, अगर लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये सारा स्मार्टफोन 20,000 से 30,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा एंड इन सब में एक बात कॉमन है, सब 5G स्मार्टफोन है। एक और बात कॉमन है, बैटरी का साइज 5000 mAh बैटरी आपको सब में मिल जाएगा नथिंग फोन 1 को छोड़कर, जिसमें 4500 mAh बैटरी आपको मिलेगा। सबसे फास्ट चार्जिंग आपको आईकू नियो 7 में मिल जाएगा और सबसे स्लो नथिंग फोन 1 और रियलमी 10 प्रो में। वैसे नथिंग फोन 1 के साथ आपको चार्जर भी नहीं मिलेगा, अलग से खरीदना पड़ेगा। गाइस, इन सब स्मार्टफोन में एक और बात कॉमन है, सब में आपको 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा रियलमी 10 प्रो को छोड़कर, जिसमें आपको 120Hz का LCD डिस्प्ले मिलेगा। नाउ प्रोसेसर, आईकू नियो 7 में मिल जाएगा मीडियाटेक का डिमेंसिटी 8200 4nm बेस्ड प्रोसेसर। इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल और पावर एफिशिएंट भी है, बट कितना अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नथिंग फोन 1 में स्नैपड्रैगन 778G प्लस और पोको एक्स 5 प्रो 5G में स्नैपड्रैगन 778G। रियलमी 10 प्रो प्लस और रेडमी नोट 12 प्रो 5G दोनों में मीडियाटेक का डिमेंसिटी 1080 मिल जाएगा और रियलमी 10 प्रो में स्नैपड्रैगन 695। गाइस, पोको और रेडमी को छोड़कर बाकी सारे स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 बेस्ड OS मिल जाएगा, पोको और रेडमी में एंड्रॉइड 12 बेस्ड। सिक्योरिटी पैच नथिंग फोन 1 और पोको एक्स 5 प्रो 5G में जनवरी का मिल जाएगा और बाकी चारों में फरवरी का। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो क्रिएटर हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए, अपना कैमरा यूज करते होंगे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलो सबसे पहले हम कैमरा टेस्ट करते हैं, सब में 1080p 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड करके देखेंगे एक घंटा कौन सा स्मार्टफोन कितना गर्म होता है और कितना बैटरी ड्रॉप होता है। Realme 10 Pro को छोड़कर बाकी सारे स्मार्टफोन में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आईकू नियो 7 में 30 एंड 60fps दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपको फुल HD रिकॉर्ड करना है तो Realme 10 Pro को छोड़कर बाकी सारे स्मार्टफोन में 60fps पे शूट कर सकते हो। गाइस, सारे स्मार्टफोन में हम फुल HD 60fps पे शूट करने वाले हैं, Realme 10 Pro में फुल HD 30fps। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर नोट नहीं किया, IQ Neo 7 का बॉडी टेम्परेचर अभी 37 डिग्री के आसपास दिख रहा है, नथिंग फोन 1 38 डिग्री, पोको एक्स 5 प्रो 5G भी 38 मोर ऑर लेस, रियलमी 10 प्रो प्लस 38-39 डिग्री के आसपास, रेडमी नोट 12 प्रो 5G अगेन 38-39 डिग्री के आसपास दिख रहा है एंड रियलमी 10 प्रो भी 39 डिग्री मोर ऑर लेस। इस अगर आपको अपने स्मार्टफोन से वीडियो शूट करना है, कंटेंट बनाना है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आईकू नियो 7 एंड नथिंग फोन 1 आप ले सकते हो, 4K 30fps पे आपको काफी स्टेबल फुटेज मिल जाएगा। बट प्राइस को देखते हुए मुझे पोको एक्स 5 प्रो 5G बेस्ट लगा। इस डिवाइस से भी आप 4K 30fps पे एकदम काफी स्टेबल फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हो। रियलमी 10 प्रो प्लस और रेडमी से आप 4K 30fps पे शूटिंग कर सकते हो, बट वीडियो ज्यादा स्टेबल नहीं रहता। एक घंटा होने वाला है, वापिस से आप लोगों को बॉडी टेम्परेचर दिखा देता हूँ सारे स्मार्टफोन का। आईकू नियो 7 37 डिग्री के आसपास था, 40 डिग्री के आसपास दिख रहा है, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। नथिंग फोन 1 38 पे था, अभी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, 45 डिग्री के आसपास, यानी 7 डिग्री टेम्परेचर इसका बढ़ गया है। पोको एक्स 5 प्रो 5G 38 के आसपास था, अगेन इसका भी बॉडी टेम्परेचर मोर लेस 45 डिग्री के आसपास दिख रहा है, 7 डिग्री टेम्परेचर इसका भी बढ़ गया है। रियलमी 10 प्रो प्लस का टेम्परेचर 46 डिग्री के आसपास दिख रहा है, 39 के आसपास था, इसका भी अगेन 7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। रेडमी 45 डिग्री के आसपास दिख रहा है, 39 के आसपास था, 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा इसका, और रियलमी 10 प्रो 45 डिग्री अगेन दिख रहा है, मोर ऑर लेस 39 के आसपास था, 6 डिग्री टेम्परेचर इसका भी बढ़ा है। एक घंटा रिकॉर्डिंग के बाद सारे स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर 6-7 डिग्री के आसपास बढ़ गया है। आईक्यू नियो 7 ओनली स्मार्टफोन है जिसमें टेम्परेचर ओनली 3 डिग्री के आसपास बढ़ा है और बैटरी 17% ड्रॉप हुआ है, 83 पे दिख रहा है। नथिंग फोन 1 76 पे दिख रहा है, 24% बैटरी ड्रॉप हो गया है। पोको एक्स 5 प्रो 5G 84 पे दिख रहा है, ओनली 16% बैटरी ड्रॉप हुआ है। रियलमी 10 प्रो प्लस 77% भी चला आया, 23% बैटरी ड्रॉप हो गया है एक घंटे में। Redmi Note 12 Pro 5G 83 पे दिख रहा है, 17% बैटरी ड्रॉप हुआ है, और Realme 10 Pro 80 पे दिख रहा है, 20% बैटरी ड्रॉप हो गया। तो गाइस, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए जो दो बेस्ट स्मार्टफोन है वो है आईकू नियो 7 एंड पोको एक्स 5 प्रो 5G। दोनों से आप स्टेबल फुटेज भी रिकॉर्ड कर सकते हो और दोनों में बैटरी ड्रॉप भी आपको कम देखने को मिलेगा। अब गाइस, 2 घंटा BGMI स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे ब्राइटनेस फुल रहेगा और वॉल्यूम भी फुल रहेगा। ग्राफिक सेटिंग्स की अगर बात करूं तो रियलमी 10 प्रो ओनली स्मार्टफोन है जिसमें स्मूथ के साथ आपको अल्ट्रा मिलेगा, बाकी सारे स्मार्टफोन में स्मूथ के साथ एक्सट्रीम सेटिंग्स मिल जाएगा। तो रियलमी 10 प्रो अल्ट्रा पे रहेगा, बाकी सारे स्मार्टफोन को एक्सट्रीम सेटिंग्स पे कर देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस है आईकू नियो 7, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा भी है, 30,000 रुपए के आसपास का स्मार्टफोन है ये। लेकिन अगर आपका बजट कम है, 20-25,000 के आसपास का बजट है आपका, तो पोको एक्स 5 प्रो 5G इन सारे स्मार्टफोन में बेस्ट रहेगा आपके लिए। दोनों डिमेंसिटी 1080 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन रियलमी 10 प्रो प्लस और रेडमी नोट 12 प्रो 5G गेमिंग के लिए ठीक है, बट पोको एक्स 5 प्रो 5G एनी डे बेटर है गेमिंग के लिए। 2 घंटे में आईक्यू नियो 7 में 32% बैटरी ड्रॉप है, 51 पे दिख रहा है। नथिंग फोन 1 35% 2 घंटे में ड्रॉप है, 41 पे दिख रहा है,
पोको एक्स फाइव प्रो 5G 55 पे दिख रहा है, 29% बैटरी ड्रॉप हुआ है। रियलमी 10 प्रो प्लस 41 पे दिख रहा है, 36% बैटरी ड्रॉप हुआ है। पोको से थोड़ा ज्यादा रेडमी नोट 8 प्रो 5G 52 पे दिख रहा है, 31% बैटरी ड्रॉप हुआ है। एंड बच गया रियलमी 10 प्रो 39 पे दिख रहा है, 41% बैटरी ड्रॉप हुआ है 2 घंटे में सबसे ज्यादा। तो गाइस गेमिंग के लिए आईक्यू नियो 7 बेस्ट रहेगा, परफॉर्मेंस भी आपको सॉलिड मिलेगा और ये बैटरी एफिशिएंट भी है, ओनली 32% बैटरी ड्रॉप हुआ है 2 घंटे में। और अगर बजट कम है तो पोको एक्स फाइव प्रो 5G बेस्ट रहेगा, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिलेगा, सॉलिड मिलेगा और बैटरी भी कम ड्रॉप होता है गेमिंग में भी और कैमरा यूज करते वक्त भी। नाउ गाइस 1 घंटे के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स ब्राइटनेस को मैंने कम कर दिया था, बैटरी परसेंटेज दिखाने के लिए वापस से फुल कर देता हूं और वॉल्यूम भी फुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह जैसे कंटेंट देखने में बैटरी बैकअप आपको किसमें अच्छा मिलेगा। तो गाइस आईक्यू नियो 7 42% पे दिख रहा है, 9% बैटरी ड्रॉप है। नथिंग फोन 1 33 पे दिख रहा है, 8% बैटरी ड्रॉप है। पोको 46 पे दिख रहा है, 9% बैटरी ड्रॉप है। रियलमी 10 प्रो प्लस 33 पे दिख रहा है, 8% बैटरी ड्रॉप है। रेडमी 42 पे दिख रहा है, 10% बैटरी ड्रॉप है। और रियलमी 10 प्रो 27 पे दिख रहा है, 12% बैटरी ड्रॉप है। यानी एलसीडी डिस्प्ले वाले रियलमी 10 प्रो में बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज्यादा हुआ है शॉर्ट्स देखते वक्त। अब यूट्यूब, Realme 10 Pro ओनली स्मार्टफोन है जिसमें आप 1080p रेजोल्यूशन पे वीडियो देख सकते हो, बाकी सारे स्मार्टफोन में 4K और 2K का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए सब में 1080p वीडियो सेट कर देता हूँ। अगर आपको Realme 10 Pro लेना है तो आप ले सकते हो, अंडर 20,000 रुपीज में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। एमोलेड नहीं है लेकिन इसका LCD डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट इसका बैटरी बैकअप आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो गाइस कर सकता नहीं, कर दिया है, 2 घंटे में 26% बैटरी ड्रॉप हुआ है Realme 10 Pro में, सबसे ज्यादा इन सारे स्मार्टफोन में। IQOO Neo 7 में 18% बैटरी ड्रॉप हुआ है, 24 पे दिख रहा है। Nothing Phone 1 16 पे दिख रहा है, 17% बैटरी ड्रॉप है। Poco 27 पे दिख रहा है, 19% बैटरी ड्रॉप है। Realme 10 Pro 12% पे दिख रहा है, 21% बैटरी ड्रॉप है। एंड Redmi 22 पे दिख रहा है, 20% बैटरी ड्रॉप हुआ है। मल्टीमीडिया कंजम्पशन यूट्यूब पे वीडियो अगर आपको बहुत सारा देखना है ना तो सबसे अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा Nothing Phone 1 में, उसके बाद IQOO Neo 7 और Poco X5 Pro 5G। नाउ इंस्टा रील्स 1 घंटे के लिए ब्राइटनेस फुल रहेगा और वॉल्यूम भी फुल रहेगा। Realme 10 Pro 1% पे आ गया है, देखते हैं कितनी देर चलता है। तो 1% 26 सेकंड्स में डेड 6 घंटा 26 सेकंड्स चला Realme 10 Pro। वैसे Nothing Phone 1 में टच का थोड़ा सा इश्यू दिख रहा है, आप लोगों ने भी अगर नोटिस किया है तो जरूर बताना। Nothing Phone 1 16% बैटरी बचा था जो ओनली 54 मिनट चला इंस्टा रील्स, ओनली 54 मिनट, 6 घंटा 54 मिनट में डेड, आराम से ये 30 मिनट और चल सकता था। YouTube शॉर्ट्स में, YouTube वीडियो में Nothing Phone 1 का परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, सॉलिड दिखा, बट इंस्टा रील्स में बहुत ही पुअर दिखा, 16% बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो गया। गाइस नेक्स्ट बैटरी ड्रेन टेस्ट में फिर से Nothing Phone 1 को ट्राई करना पड़ेगा। ओके Realme 10 Pro Plus डेड 6 घंटा 56 मिनट में, इनका 12% 56 मिनट चला इंस्टा रील्स। शॉर्ट से कंपेयर करूं तो इंस्टा रील्स में बैटरी थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ड्रेन हो रहा है। 1 घंटा इंस्टा रील्स का कंप्लीट टोटल हो गए 7 घंटे। IQOO Neo 7 13% पे दिख रहा है, 11% बैटरी ड्रॉप है। Poco 16 पे दिख रहा है, अगेन 11% बैटरी ड्रॉप है। एंड Redmi 9% पे दिख रहा है, 13% बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो गाइस बच गया IQOO, Poco एंड Redmi। अब 1 घंटे के लिए फिर से BGMI स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे ब्राइटनेस फुल रहेगा, वॉल्यूम भी फुल रहेगा। ओके Redmi Note 12 Pro 5G 7 घंटे 30 मिनट में डेड, इनका 9% 30 मिनट 46 सेकंड चला BGMI। Realme 10 Pro Plus और Redmi Note 12 Pro 5G दोनों सेम प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन, सेम बैटरी का साइज भी, बट 30 मिनट ज्यादा मिला स्क्रीन ऑन टाइम Redmi में। गाइस मैंने कुछ महीने पहले इन दोनों स्मार्टफोन का जब वेदर थोड़ा सा कूल था बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो बनाया था, एंड उस टाइम भी Redmi का बैटरी बैकअप Realme से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिला था, थोड़ा ज़्यादा मिला था। एंड आज भी जब मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है, आज भी Redmi का बैटरी बैकअप Realme से ज़्यादा मिल रहा है, स्क्रीन ऑन टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो गाइस सबसे पावरफुल प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन IQOO Neo 7 भी 7 घंटे 48 मिनट में डेड, इनका 13% 47 मिनट 55 सेकंड चला BGMI। Realme 10 Pro से 1 घंटा 48 मिनट ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम। एंड फाइनली Poco X5 Pro 5G भी 7 घंटे 50 मिनट में डेड। अगर इसे Redmi से कंपेयर करूं तो 20 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा मिला और Realme 10 Pro Plus से 50 मिनट, इनका 16% 50 मिनट 38 सेकंड चला BGMI। आई होप कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना, और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट भी दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unbox।